नमस्कार दोस्तों, आज हमने बनाई है अंडे की भुर्जी। दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों अगर आपको भी अंडे की भुर्जी बनानी है तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। मैं रवि कला आप सभी का अपने YouTube चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत करती हूँ और चलिए बनाते हैं अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 6 अंडे और साथ में हमने कट कर ली है थोड़ा सा प्याज, तो ये 2 बड़े साइज का प्याज है। अदरक और हरी मिर्ची को मैंने बारीक कट कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने चॉपर में कट की हैं। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी कट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा लहसुन कट कर लिया है और हरा धनिया। तो चलिए अपनी जो है अंडे की भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर दिया है और आँच को मीडियम ही रखा है। तब इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल डालूँगी। इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तो दोस्तों मैं अंडे की भुर्जी 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से आप चीज़ों को इस्तेमाल करिएगा। हमारा तेल थोड़ा गर्म हो गया है तो हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे और हमने जो अदरक और हरी मिर्ची को कट किया था उसे डाल देंगे। दोस्तों मैंने 1 इंच अदरक को लिया था और साथ में मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा भून लेंगे, हल्का भूनना है, ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब जो है कि हम अंडों को तोड़ लेंगे, तोड़ के एक बाउल में ले लेंगे। तो सभी अंडों को हमने तोड़ लिया है। हमारे प्याज हल्के से भून गए हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो हम जो है कि अंडों को इसमें इसके अंदर डाल देंगे। और इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। अब नमक को भी इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही फटाफट से बनने वाली अंडे की जो है कि भुर्जी है, जिसे कि आप कभी भी बना सकते हैं। मैं इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं इसके नेचुरल जो है कि फ्लेवर में इसको बना रही हूँ। अगर आप मसाले खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़े बहुत जो है इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। तो ये तैयार होने वाला है, तो हम ऊपर से इसमें जो हमने हरा लहसुन कट किया था उसे डाल देंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक हरे धनिया और हरे लहसुन के साथ भून लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे अंडे की भुर्जी जो है कि बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे पराठे या रोटी के साथ। तो चलिए सर्व कर लेते हैं, इसकी प्लेटिंग लीजिए। दोस्तों गर्मा गर्म अंडे की भुर्जी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।